हाय गाइस, मेरा नाम है मोनिका और मेरे चैनल का नाम है कुकर्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। तो मेरे चैनल पे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जिसका थंबनेल आपको दिख ही गया होगा कि मैंने कैसा मेकअप और किसका मेकअप किया है। तो ये काफ़ी अच्छा मेकअप है जो इंडियन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा मेकअप लुक। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये मिस्ट है। इससे फेस काफ़ी हाइड्रेटेड हो जाता है और काफ़ी फ्रेश भी लगता है अगर गर्मियों में आप इसको यूज़ करेंगे तो। इसके बाद मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ लैक्टो कैलामाइन। ये मेरे को इतना पसंद है क्योंकि गर्मियों में अगर मैं इसको फेस पे लगाऊंगी तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता है। अगर आप प्राइमर नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी 3 से 4 घंटे आपका मेकअप चल जाएगा। अब इसके बाद मैंने यूज़ किया है NYB का प्राइमर अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और काफ़ी अच्छा है। अब मैं अपनी फेवरेट लैक्मे की इनविजिबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उसको अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मैंने आई शेडो जो अप्लाई करनी है उसके लिए मुझे अच्छा सा बेस मिल जाए। उसको मैं अपने पूना स्टोर के ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब उसको मैं ज़रूर सेट कर लूँगी क्योंकि आपको पता है मेरे आँखों पे क्रीज लाइन बनती है, इसके लिए वो क्रीज़ ना हो इसलिए मैंने उसके ऊपर अपना लैक्मे का रोज़ पाउडर जो है उसको अप्लाई किया है। अब मैंने एक आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर है उसको लेकर अपने पूना स्टोर के आईब्रो सेटिंग ब्रश के साथ अपने आईब्रो को मैं अपने आईब्रो जो है सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपने आईलिड पे अपने क्रीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर है, सेम आई शेडो में से मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। मैं अपनी क्रीज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आईज़ जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं, इसलिए मैं उसको क्रीज़ पे अपने ज़रूर कोई क्रीज जो ट्रांजिशन शेड है अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी जो आईज़ हैं वो थोड़ी बड़ी लगे। अब उसमें से डार्क ब्लैक कलर लेके मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ जिससे मैंने अपने आईब्रो फिल किए हैं। उसे एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपने आईलेट पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। अब जो सिवाना का मेरे पास ब्रॉन्ज़र है उसमें से मैं ब्रॉन्ज़र जो शेड है कॉपर शेड है लेके अपने आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से ही, बिकॉज इससे ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको मिल जाएगी। दोनों आईज़ पे मैंने ऐसे ही अप्लाई कर लिया है। अब मैं स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ बिगिनर। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्केच आईलाइनर यूज़ करें। इवन कि मैं बिगिनर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे स्केच आईलाइनर से वर्क करना अच्छा लगता है और काफ़ी इजी रहता है। अगर आपको किसी भी तरह का आईलाइनर अप्लाई करना है तो आप स्केच आईलाइनर से अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ईजिली अप्लाई हो जाएगा। अब मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का मस्कारा। ये इसका जो MRP है वो कुछ 190 रुपीज़ है, लेकिन आपको लोकल मार्केट में आराम से 170-180 का मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा मस्कारा है। इसे मैं अपनी लोअर लैशेज को भी मैंने अप्लाई कर लिया है और ये काफ़ी वाटरप्रूफ और अच्छा मस्कारा है। इसे काफ़ी अच्छी लेंथ मिल गई है मेरे आईलैशेस को। अब अगेन मैंने जो अपनी फाउंडेशन है इसको अब अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अपने नेक और एयर पे लगाना बिल्कुल ना भूलिए। अब अपने ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप को इस चीज़ से अगर आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो मेकअप है वो बाद में ख़राब हो जाता है या केकी लगता है या ग्रे लगता है, तो ये बहुत ज़रूरी कि आप अपने जो जो आपने फाउंडेशन अप्लाई करी है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अगर आपने काफ़ी देर उसको अच्छे से ब्लेंड किया होगा और आपके फेस पे वो अच्छे सेट हुआ होगा तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया है, मैंने वही अपनी फाउंडेशन को दोबारा से अपने जहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करती हूँ वहाँ पे ही अप्लाई किया है और थोड़ा हाईलाइटेड दिखाने के लिए दोबारा से अपने आईज़ के अंडर आइज़ लगाया है, नोज़ पे और चिन पे थोड़ा सा अप्लाई किया है जहाँ मेरे फेस पे थोड़ी सी डार्कनेस है। अब आप देख सकते हैं मैं काफ़ी अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करती हूँ। अपने जो भी मैंने बेस लगाया होता है उसे आपका बेस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अब मैं अपने लैक्मे के रोज़ पाउडर जो लूज रोज़ पाउडर है मेरे पास उससे मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ, खास करके जहाँ पे मैंने डबल लेयर अप्लाई की है फाउंडेशन की ताकि वो क्रीज ना हो जाए। उसको ज़रूर अपने जो आप लूज़ पाउडर से सेट कर लें।
इसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ पूना स्टोर का ब्रश। अब मैं अपने फेस को, पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का अपना कॉम्पैक्ट। फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, नहीं तो वो काफ़ी केकी हो जाएगा और अच्छी लगती है मैट फिनिश अगर आप गर्मियों में रखेंगे तो। अब मैं अपने काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ NYB का काजल, ये काफ़ी ब्लैक काजल है और इन सब का प्रोडक्ट्स का NYB का मैंने अलग सा रिव्यू किया हुआ है अपनी एक वीडियो में, आप चाहे तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अब मैं वहाँ से ब्राउन कलर लेके एक फ्लैट ब्रश की मदद से उसे अपने काजल के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो डार्क जो एक लुक मिल रही है फेस को, आईज़ को, उससे वो थोड़ी सॉफ्ट लगेगी अगर हम ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई करेंगे तो, बहुत डार्क नहीं लगता है। अब मैं डिफाइनिंग ब्रश से हाइलाइटिंग शेड लेके अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि आंखें बड़ी लगती हैं। और मैं फिर बाद में वो कॉपर शेड लेके उसे अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रंट पे। सेम हाइलाइटिंग शेड लेके बफिंग ब्रश की मदद से मैंने उसको अपने आईब्रो के ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लिया है। नोज़ के टिप और ब्रिज पे अप्लाई कर रही हूँ, जो कि फेस के उभरे हुए पार्ट होते हैं वो अच्छे लगते हैं हाइलाइटिंग करने से। अब मैं सेम कॉन्टोरिंग शेड लेके उसी सेम ब्रश से अपने नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, ताकि मेरा जो नोज़ है वो पतला लगे। अब मैं अपने सेम पूना ब्रश के कॉन्टोर ब्रश जो है उससे अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। और इसी से अपने मैंने जॉ लाइन की भी कॉन्टोरिंग कर लेनी है। मैंने जितने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनमें से ज़्यादातर का वीडियो मैं बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप उनको चेक कर सकते हैं। अब हाइलाइटर को मैं अपने जो चीक बोन है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा फोरहेड पे, और क्यूपिड बो यानी कि लिप्स के बिल्कुल ऊपर मैं इसलिए अप्लाई करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, उससे एक लिप्स को शेप मिल जाती है, काफ़ी अच्छे से लिप्स की शेप है जो नज़र आती है। अब मैं अपना फेवरेट लॉरियल का ब्लशर लेके उसे अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, बस आपको स्माइल करना है और ब्लशर अप्लाई कर लेना है। अब मैं यहाँ पे लिप के लिए यूज़ कर रही हूँ FC का लिप लाइनर ब्राउन कलर में, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा ने बिल्कुल ही न्यूट सा कलर ब्राउन कलर लगाया हुआ है जैसा कि मुझे फ़ोटो में देखने को मिला है, तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक के लिए अपना Amsterdam का लिक्विड लिप कलर है, ये ब्राउन न्यूट सा कलर है जो काफ़ी अच्छा मैच कर गया है, जो सोनाक्षी सिन्हा की जो पिक्चर मैंने ली हुई थी उससे काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। वो पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है बिल्कुल वैसा मेकअप करने की। तो अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं किए हैं। अब मेकअप को फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है अपना किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और स्पॉन्ज से उसको डैप कर लिया है, और अब मैंने फाइनल लुक के लिए लगा ली है अपनी ब्लैक कलर की बिंदी। तो आई होप आपको मेरा जो मेकअप है पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।